क्या आपके साथ ऐसा होता है कि अगर आप 5 मिनट वॉक कर लेते हैं तो आपको फील होता है कि आप मैराथन में दौड़ रहे हैं, या कुछ लाइंस लिखने के बाद आपको फील होता है कि आप पूरी किताब लिख देते हैं? दूसरे वर्ड्स में कहें तो आप अक्सर आसानी से थक जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि आप इससे कैसे बचे। अगर ऐसा है तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। नींद के अलावा थकान के और भी कई कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस, पुअर लाइफस्टाइल इत्यादि। आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रॉब्लम के स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। टिप नंबर 1, हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाना खाने से आपको एनर्जी मिलेगी जो आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करेगी, इसीलिए और ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं जो आपको और अधिक प्रोटीन्स देंगे। टिप नंबर 2, ज़्यादा समय तक ना बैठें। ये टिप उनके लिए है जो हमेशा बैठते रहते हैं। हम जानते हैं कि आप थकान महसूस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें, क्योंकि बहुत से स्टडी से ये पता चला है कि फिजिकल एक्टिविटी अपने एनर्जी लेवल को बूस्ट करती है। इसीलिए एक्टिव रहें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। और हाँ, जब भी आपको थोड़ा सा ब्रेक मिले उस समय टहलने का प्रयास ज़रूर करें। टिप नंबर 3, अधिक पानी पिए। अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल हाई रहती है। 2014 में आए गए एक रिपोर्ट से ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं उन्हें पानी पीने से अधिक बेनिफिट हुआ है। टिप नंबर 4, सामाजिक बने। अकेले रहना भी थकान लगने का एक कारण है। अगर आप लोगों के बीच में रहें तो आप ऑटोमेटिकली उनसे बात करोगे। हो सकता है आप उनके साथ घूमने भी जाए, इस वजह से आप और भी एक्टिव रहोगे। टिप नंबर 5, सोने का समय। लेट सोने और जल्दी उठने से बचें, क्योंकि इसके कारण आपकी बॉडी पूरी दिन लो फील करती है। कम सोने के एक नेगेटिव इफेक्ट है जिसमें थकान सबसे ऊपर है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आपको थकान से बचने में डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। गेस कीजिए क्या होगा जब आप पूरे दिन एक्टिव रहेंगे? आप अधिक प्रोडक्टिव हो जाएंगे। इसीलिए अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।